200 रुपए के नए नोट छपाई शुरू जल्द होंगे जारी। पिछले साल नवंबर महीने में मोदी सरकार ने 500 और 1000 नोटों के चलन से बाहर करने के बाद 500 और 2000 नोट मार्केट में जारी किए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार 200 रुपए नोट भी मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है, जिसके मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक इन नोटों की छपाई भी शुरू कर दी है। दरअसल 200 रुपए के नोट छपाई में समेत दो लोगों ने इकोनॉमिक टाइम को बताया कि आरबीआई ने कुछ सप्ताह पहले इन नोटों के छापने का आदेश दिए थे। अब सरकार प्रिंटिंग प्रेस इन नोटों की छपाई भी हो रही है। बता दें कि मार्च में हुई एक मीटिंग में आरबीआई बोर्ड के 200 रुपए के नोटों को लागू करने का फैसला किया था। इससे पहले सरकार भी नागरिकों के लिए इस्तेमाल के लिए आसान रहने वाले नोटों का जारी करने पर विचार कर रही थी। इस पर एसबीआई में ग्रुप चीफ इकोनॉमिस्ट के तौर पर काम करने वाले शोभो कांति का कहना है कि दैनिक लेनदेन मकसद में 200 रुपए के नए नोट लाए जाने से कामकाज आसानी होगी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी में हटाए गए नोटों के एक हिस्से की भरपाई 2000 रुपए के नोटों के जरिए हुई, जबकि 500 रुपए के नोटों की काफ़ी हद तक इस कमी को पूरा करने में काम किया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। उन्होंने कहा कि 200 रुपए के नोटों के जारी किए जाने के बाद छोटे करेंसी का संकट निजात मिल सकेंगे, जिसकी कमी लोगों के 500 के पुराने नोटों के बंद किए जाने के बाद से ही महसूस कर रही है। इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। लाइक बटन को प्रेस करें, कमेंट करें और अपने प्रियजनों को शेयर करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।